हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं शेयर करूंगी कि जाड़े के दिन में, विंटर सीजन में, हम अपने प्लांट्स को पानी देते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतें, क्योंकि पानी कम होने से तो हमारे प्लांट नहीं मरते, केवल मुरझा जाते हैं। और उनमें फिर पानी डाल दीजिए तो फिर वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती हैं। लेकिन अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो हमारे प्लांट उनमें रूट राट हो जाता, उनकी जड़ें सड़ जाती हैं, फिर वो प्लांट मेरा बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है। तो इसलिए ठंडी के दिन में पानी देते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि हम पानी कितना दें, कब दें, कैसे दें, अपने गमले का रखरखाव कैसे रखें। इस तरह से हमें बहुत बातों का ध्यान रखना होता है। उसके पहले देखिए, ये मेरे गुलाब के, देसी गुलाब के फूल कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं। और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी साइज के, और ये गमले में लगे हैं। और कलियां देखिए, ये देखिए गमले में सब लगे हैं। इनको मैंने कटिंग से लगाया था। ये मेरा कुसुम का प्लांट जो मैंने सीड से उगाया था, इसमें देखिए फ्लावरिंग हो रही कितनी बढ़िया, और कलियां कितनी बड़ी बड़ी आई हैं। ये देखिए, ये कली देखिए कितनी बड़ी है। और ये देखिए मेरा परमानेंट कार्नेशन में भी कली आ गई है, अब इसमें फ्लावरिंग होगी। और प्लांट कितना बड़ा और कितना हेल्दी हो गया है। तो हाँ फ्रेंड, सबसे पहले तो हम जब प्लांट लगाएं तो अपने गमले में मिट्टी कितनी भरें उसका ध्यान रखें, क्योंकि हमारा नेचर होता है कि जितना गमला खाली होगा हम लगभग उतना ही उसको पूरा भरने की कोशिश करते हैं, फुलफिल करने की। कि जैसे अब इसमें, तो जब आप जाड़े का ठंडी के प्लांट लगाएं तो मिट्टी काफ़ी ऊपर तक भरें, केवल 1 इंच उनमें स्पेस पानी के लिए छोड़ें। पहली सावधानी तो हमें गमले को लेकर है। अब गमले की मिट्टी इतनी पोरस हो कि पानी उसमें ठहरे नहीं, सूख जाए, और उनका ड्रेनेज होल बहुत अच्छा बनाए जिससे कि पानी ड्रेन हो जाए, पानी उसमें रुके ना। ये बात हो गई। दूसरी बात कि हम अपने प्लांट्स को ऐसी जगह शिफ्ट करें जहाँ पर दिन की कम से कम, दिन भर की छोटा दिन होता है, धूप भी कम, धुंध होती है, कम तेज होती है, तो उनको लगभग दिन भर की धूप लगे ऐसा प्रयास करें। नहीं तो 5-6 घंटे की धूप तो ज़रूर लगे, शाम 3 बजे तक की धूप, क्योंकि 4 बजे के बाद जाड़े की धूप कोई मायने नहीं रखती है। ये हो गई प्लेसिंग की बात। अब रह गया पानी देने की बात। पानी हम कब दें? पानी हम अपने प्लांट में 9 बजे के बाद दें। जैसे हम लोग गर्मी में कहते हैं कि 9 बजे के पहले और शाम को 6 बजे के बाद पानी दें, क्योंकि दोपहर में मिट्टी गर्म हो जाती है, गर्म मिट्टी में हम पानी डालते हैं तो मेरे पौधे गर्म होकर सूखने के चांस। उसी तरह हमें जो है जाड़े के दिन में 9 बजे के बाद और 4 बजे के पहले पानी दे दें, 4 बजे तक, क्योंकि अगर मान लो हमसे पानी ज़्यादा भी हो जाए तो पानी धूप में थोड़ा बहुत सूख जाएगा, जिससे कि हमारे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा, पानी ज़्यादा नहीं होने पाएगा और उनमें रूट राट होने की समस्या नहीं होगी। पानी अक्सर ताज़ा दें, बासी पानी जैसे हम बाल्टी में बकेट भर के रख लिए, पानी की कहीं समस्या है तो हमने बकेट भर के रख लिया तो बासी पानी डालें। बासी पानी वैसे बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन हमारे प्लांट जो हैं ऑलरेडी ठंडे रहते हैं, उसमें ठंडा ठंडा पानी हम डाल देंगे तो हमारे प्लांट को बहुत अच्छा नहीं होगा, हमारे प्लांट के सेहत के लिए। जैसे हम ठंडा पानी जाड़ें पी लें तो हमें ठंड लगती है। और पानी देते समय मग, जिस मग का आप प्रयोग कर रहे हैं, जिस मग से या बकेट से दे रहे हैं पानी, उसके हम भरकर पानी देने का मेरी आदत होती है,
हम लोगों की कि जो जिससे पानी डाल रहे हैं भर के मग में, तो जैसे ये मेरा आधा लीटर का मग है, इस तरह से छोटे मग का उपयोग करें। और ये एक लीटर का डिब्बा है, अगर हम पानी डालेंगे तो इसको भी भर के डालेंगे, इसको भी भर के डालेंगे। तो इसलिए जहाँ तक हो छोटे मग का उपयोग करें। तो एक मग डालेंगे तो हमारे प्लांट में पानी ज़्यादा नहीं होने पाएगा। इस तरह से कुछ सावधानियाँ पानी देते समय भी जाड़े के दिन में बहुत ज़रूरी होता है। और प्लांट में शावर तो करें, ताज़े पानी से आप शावर करें कि मेरा प्लांट पूरा, क्योंकि ठंडी से बचाने के लिए पानी भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उनको जहाँ तक हो ज़्यादातर शावर करने की, आधा पानी गमले में डालें, आधा शावर करें, तो उनके हर ब्रांच में, हर पत्ती पत्ती में पानी पहुँच जाएगा। फ्रेंड, मैंने ये पानी देने को, कैसे पानी दें, कब दें, कितना दें, गमले का पूरा ध्यान रखने का मैंने आपसे शेयर किया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर फ्रेंड।